नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पहला सुख निरोगी का आया तो आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नई जड़ी बूटी के साथ। आप देख लें और अच्छी तरह से पहचान कर लें। ये सहदेई का पेड़ है, इसको सहदेवी भी कहते हैं। तो आज मैं ये जानकारी दूंगा कि सहदेई या सहदेवी का पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से आयुर्वेद में जानकारी दी गई है। यह एक बहुत ही बढ़िया और अनिंद्रा, जिसको कहते हैं कि नींद न आना, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। और ये तांत्रिक विधि में भी बहुत बढ़िया काम करता है, ये तंत्र विद्या में। तो मैं आज तंत्र विद्या की बात न कह करके आपको ये केवल जड़ी बूटी में किस तरीके से हम लाभ ले सकते हैं और अनिंद्रा के लिए, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए, और कई मर्ज हैं, बल्कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है और ये हाजमा के लिए भी बहुत बढ़िया है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सरदेई के पेड़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर शरीर में कहीं सूजन है, कहीं दर्द है, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया रामबाण का इलाज है इसका। और पथरी में, अगर गुर्दे में पथरी है आपके, तो इसका काढ़ा बना करके पिए आप, तो आपके गुर्दे की पथरी गल गल करके बाहर निकल जाएगी। इसका इस्तेमाल काढ़ा बना लेना है, या काढ़ा ना बनाएं तो ऐसे बांट करके दो चार काली मिर्च मिलाएं और 40 से 50 मिलीलीटर तक इसका सेवन करें, तो आपकी गुर्दे की पथरी बिल्कुल गल करके बाहर निकल जाएगी। बवासीर, बवासीर में भी बहुत बढ़िया ये काम करती है। पीलिया रोग हो तो इसमें भी इसका काढ़ा बना करके पीजिए आप। आप जड़ है, पत्ता है, इसका पूरा मिला करके पी लीजिए। अगर किसी महिला को सफ़ेद पानी आता है, लिकोरिया, या किसी पुरुष को नाइट फॉल की समस्या है, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया रामबाण काम करती है। इसका आप काढ़ा बना करके पीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। इसका नाम ही सहदेई है या सहदेवी है। ये तांत्रिक विद्या में भी बहुत बढ़िया काम करती है, पर तंत्र विद्या के बारे में आज हम नहीं बताएंगे। नींद के बारे में, आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो इसकी जड़ है और इसकी पत्तियों को बांट करके आप शाम को सिर में लगा लें आप, तो देखिए कितना बढ़िया नींद आती है आपको, बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। और अगर इसका काढ़ा बना करके भी पीते हैं तब भी आपको जो है नींद में बहुत बढ़िया आराम करेगी। बस हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके परहेज हैं, आप खान पान अपना सही रखिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए और घर का ताज़ा भोजन ही करिए। ये ना हो कि आप बाज़ार का खाना खाते हैं तो बाज़ार का तला भुना, बहुत तेल मसाला वाली चीज़ों से परहेज करें आप, बहुत तेल मसाला वाली चीज़ें ना खाएं, बासी भोजन ना करें, जो बादी वाली चीज़ें हैं उनसे भी परहेज करें। चावल है, भटा है, राजमा है, भिंडी है, उड़द की दाल है, मट्ठा है, तो इस प्रकार से इसको जो है परहेज करना है। भैंस का दूध है तो इन सब चीज़ों से परहेज करें और निंद्रा के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसलिए हम आज तांत्रिक विद्या की बात न करके, अगर तंत्र विद्या की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। पर आज हम केवल नींद के लिए और इन मर्जों के प्रयोग के लिए आपको जानकारी दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो भी अगली नई जड़ी बूटी वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।